ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर जिले का एक ऐसा समाजसेवी जिसने अब तक बिहड़ों और डांगों में 350 से अधिक बेहद गरीब निर्धन बालिकाओं की शादियां करवाई हैं। ऐसी निर्धन लड़कियों के साथ समाजसेवी अनिल अग्रवाल का अटूट रिश्ता है। कोरोना काल में भी समाजसेवी ने नियमों की पालना के तहत 85 बहनों के घर शादी का जरूरी सामान भी पहुंचाया है। अब इस अनोखी समाजसेवी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धौलपुर के एक समाज सेवी हैं जिनका नाम अनिल अग्रवाल है। इनका उद्देश्य अनाथ गरीब आश्रित परिवारों का संबल बनकर उनके घर का गुजर बसर करना है या फिर ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कन्याएं जो कि अनाथ हैं या फिर जिनका परिवार में कोई भाई पिता नहीं है, उन बहनों को बिहड़ एरिया डांग और जंगल में तलाश कर उनके लिए वर तलाश कर पूरी शादी करवा कर कन्यादान करना है। पूरा परिवार उनकी शादी में ऐसे सम्मिलित होता है जैसे कि उनके खुद के घर की बहन बेटी की शादी हो। भैया जी ने मेरी शादी करवाई थी 2015 में। भैया जी मेरे घर पे गए थे ग्वालियर मोती जी ने। मैं खुश बहुत रहती हूँ। भैया ने बहुत मेरे को दहेज भी बहुत भैया ने दिया था। वो गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं भैया जी, बहुत अच्छे हैं। अब फिर से अनिल अग्रवाल 12 फरवरी 2023 को करीब 101 अनाथ गरीब जरूरतमंद बहनों की शादी करने के लिए दहेज के सामान के साथ साथ उनके विवाह की तैयारियों में दिल जान से जुटे हुए हैं। क्षेत्र की गरीब और अनाथ बहनों के लिए समाज सेवी अनिल अग्रवाल हर साल आगे आकर पुण्य के काम को परिवार के साथ करते हैं। वो अब तक 350 कन्याओं की शादी मचकुंड मंदिर धौलपुर में करा चुके हैं। तो वहीं इससे पहले कोरोना काल में 85 कन्याओं की शादी करवाकर उनके घर दहेज का सामान पहुंचाया था। 5 प्रोग्राम हमारे पहले हो चुके हैं। 6वां प्रोग्राम 12 फरवरी 2023 को मचकुंड धाम मंदिर पर होगा। अब तक हम 251 बच्चियों की शादी करा चुके हैं। 50 बच्चियों की शादी फिर से इस बार 12 फरवरी को होगी। दीपावली पर हम दिवाली अपने घर पर नहीं मनाते, गांव-गांव ढाणी ढाणी जाते हैं। जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं हैं, जिनके पिता नहीं हैं, जिनके भाई नहीं हैं, 6-6, 7-7 बहनें हैं जो बहुत तकलीफ में जीवन जी रही हैं, बीहड़ों में रहती हैं, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है उनके पास, उन बच्चों को हम चयन करते हैं और फिर अपनी सगी बहन के तरीके से पूरे दहेज के साथ उनकी शादी करते हैं। समाज सेवी अनिल अग्रवाल के सहयोगी मित्र धर्मेंद्र भी ऐसी बहनों की तलाश में डांगों में घूमते रहते हैं। ये लोग ऐसे स्थानों पर भी पहुंच जाते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। समाज सेवी पिछले 14 साल से लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। 13 साल पहले करौली मैया मंदिर में दिव्यांग का कैंप लगाया था। उसमें 360 विकलांगों को जंगल में जाकर ढूंढा और जिसमें से 160 विकलांग ऐसे थे जिनके पैर कटे हुए थे। लगभग 400 से ज्यादा परिवारों को प्रतिमाह 50 किलो गेहूं भी भेजते हैं। अनिल अग्रवाल जी द्वारा यहाँ गरीब अनाथ असहाय जिस तरीके की बच्चियों की शादियाँ, विकलांगों की मदद, गरीब परिवारों की मदद कई सालों से करते आ रहे हैं। हर साल यहाँ कभी 41 कन्या, कभी 51 कन्या का विवाह, वह भी ऐसी बच्चियाँ जिनके माँ बाप भाई नहीं हैं, ऐसे परिवारों में जंगलों में जा जाके, गरीब गाँवों में जा जाके धनतेरस को स्वयं निकलते हैं और करौली, सवाई माधोपुर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, कई जंगलों में गांव जहां तक सरकारी सहायता भी पहुंचना दुर्लभ है, ऐसी जगह जाकर वो कन्याओं का चयन करते हैं और उनका यहां विवाह कराते हैं। अनिल अग्रवाल मूल रूप से धौलपुर के निवासी हैं, जो लगातार गरीबों की मदद करते हैं, चाहे बात बच्चों की पढ़ाई की हो या फिर उनकी कोचिंग या फिर अन्य कोई सामाजिक जरूरत हो, सभी पूरी करते हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजक अनिल अग्रवाल ने बताया कि उनका परिवार शुरू से ही समाज सेवा में रहा है। अनिल ने कहा कि पूर्व में उनका परिवार काफी गरीब हुआ करता था, ऐसे में बेटियों की शादी के दर्द को परिवार ने महसूस किया था। अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा धौलपुर जिले में खासकर डांग क्षेत्र में
गरीब, निर्धन, जिनके माता पिता और भाई नहीं है, उन बच्चियों को तलाश करके रिश्ते तय कराए जाते हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख धर्म की कन्याओं के रिश्ते तय कराकर जिनका तीर्थराज मचकुंड को साक्षी मानकर पारंपरिक रीति रिवाज के मुताबिक विवाह संपन्न करवाते हैं। अनिल अग्रवाल जिले में अब तक 6 से 7 बड़े आयोजन करवा चुके हैं। भानु शर्मा, जी मीडिया, धौलपुर। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।